पहले थी, कांग्रेस पार्टी ने मेरे से नफरत करनी शुरू कर दी। और वो तुरंत जब मैंने फोटो डाली, वीडियो डाले, तो मेरे को लगातार डांट सुननी पड़ी और लगातार बोला गया कि इसको आपने क्यों किया, क्यों तुम राम मंदिर होके आई जब चुनाव सर पे है, क्यों और बार ये डाली। और मुझे लगातार कहा जाता था कि तुम बहुत हिंदू धर्म के लिए बोलती हो, और कई बार मुझे रोक दिया जाता था डिबेट्स पे कि नहीं, तुम बहुत ज़्यादा हिंदू धर्म के लिए बोलती हो, क्या अपने धर्म का स्टैंड लेना गलत है, मैं तब समझ नहीं पाती थी। लेकिन जब मुझे डिबेट्स पे जाने से रोका गया, कम कर दी गई, और टास्क जो दिए जाते थे वो कम कर दिए गए, लगातार हर मोड़ पे अपमानित करना शुरू कर दिया गया, तब मुझे समझ आने लगा कि क्या शायद कुछ गड़बड़ है। लेकिन मैं तब भी नहीं समझ पाई थी कि एक षड्यंत्र मेरे खिलाफ रचा जा रहा था, मेरे कैरेक्टर को लेकर और भी चीज़ों की, एक षड्यंत्र रच के मुझे ऐसे अपमानित किया जाएगा। मैं छत्तीसगढ़ के चुनाव की मीडिया की प्रभारी बनी, और ये मेरा तीसरा बार था, दो विधानसभा चुनाव भी मैं बतौर मीडिया प्रभारी वहाँ काम कर चुकी हूँ, और इस बार लोकसभा चुनाव पे मेरी जिम्मेदारी थी। तो ये दर्शन के बाद, कुछ समय बाद जब मैं छत्तीसगढ़ गई, तो लगातार मुझे अपमानित किया जा रहा था। और यहीं से बात शुरू नहीं होती, जब राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही थी, तो वहाँ के जो मीडिया चेयरमैन थे छत्तीसगढ़ के, सुशील आनंद शुक्ला, उनका मैं नाम सुशील तो अब कहना शोभा नहीं देता, दुशील ही कहेंगे उन्हें, तब भी उन्होंने राहुल गांधी जी की यात्रा के दौरान मुझे शराब ऑफर करी। उनके साथ एक और उनके साथी थे धनंजय ठाकुर, और मैं यहाँ से कांग्रेस के दो लड़कियाँ जो काम करती थी मीडिया डिपार्टमेंट में, वो मेरे साथ थी, और उनके सामने ही हुआ कि लगातार मुझे रात को कमरे में, जब हम कोरबा में थे, जब हम वहाँ पे यात्रा में वेट कर रहे थे रात को, तो मुझे लगातार फ़ोन करके सामने भी आके कि आपको कौन सी शराब चाहिए, हम आपके कमरे में शराब पहुँचाने का काम करेंगे, और शराब पी के 5 से 6 के प्रवक्ताओं के साथ मीडिया चेयरमैन आके मेरे कमरे पे भी खटखटाते थे। ये बात मैंने सचिन पायलट जी को भी तब कही थी, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष को भी, दीपक बैज जी को भी कही थी, और दिल्ली में भी जयराम रमेश जी से लेकर पवन खेड़ा जी सब तक मैंने ये बात बताई थी कि इस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के समय मेरे साथ किया गया। लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ, मैंने तब भी ध्यान नहीं गया कि ये सब इसीलिए मुझे इग्नोर किया जा रहा है, ये मेरी बात को नहीं सुना जा रहा है, क्योंकि मैं पार्टी की जो विचारधारा है, जो हिंदू विरोधी विचारधारा है, राम विरोधी विचारधारा है, उसके साथ मैच नहीं कर पा रही हूं, तो इसलिए इस तरीके से मेरे साथ बदसलूकी करी जाएगी और कोई भी नेता कुछ नहीं बोलेगा। और हद तब पार हो गई जब 30 तारीख को छत्तीसगढ़ कांग्रेस के मुख्यालय में, रायपुर में, किसी भी नेता के लिए, किसी भी पॉलिटिशियन के लिए, जो हमारे पार्टी का मुख्यालय होता है वो मंदिर के समान होता है, और हम सबसे सेफ अगर कहीं होते हैं तो वो उस मुख्यालय में होते हैं। लेकिन 30 तारीख की शाम के 6 बजे के आसपास की ये घटना है, जब मैं सुशील आनंद शुक्ला जी से बात करने गई, तो उन्होंने मुझसे बदतमीजी करनी शुरू करी, मुझे गंदी गंदी गालियां देनी शुरू करी, और ऐसी ऐसी गालियां जिनका मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसे कोई शब्द भी हो सकते हैं दुनिया में, और लगातार गंदी गंदी चीज़ें बोलने लग गए और चिल्लाने लग गए। तब मैं चिल्लाई, बहुत चिल्लाई, वहाँ पे बाहर लोग बैठे हुए थे, और मैंने चिल्ला के ये भी कहा कि जाके नीचे से प्रदेश के महामंत्री को बुला के लाइए और लोगों को बुला के लाइए, लेकिन कोई नहीं हिला। फिर वो जब मैंने अपना फ़ोन बाहर निकाला कि मैं आपको रिकॉर्ड कर रही हूँ, ऐसे हाथ में फ़ोन पकड़ा, तो सुशील आनंद शुक्ला ने इशारा किया, और उस कमरे में दो और लोग थे, दो और प्रवक्ता थे, जिन्होंने उनके ऐसा इशारा करने पे दरवाजा अंदर से बंद कर लिया, कुंडी बंद कर ली गई। करीबन 1 मिनट तक कमरा अंदर से बंद रहा, और मुझे गंदी गंदी गालियां दी गई, तीनों उठ के मेरी तरफ आए। मैं अभी भी जब उस घटना के बारे में सोचती हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, बाहर भी लोग थे, लेकिन किसी ने दरवाजा खोलने की कोशिश नहीं करी, और जो बाकी के 2 आदमी थे उन्होंने दरवाजे के आगे खड़े हो गए और मुझे दरवाजा नहीं खोलने दिया। मैं बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी, मेरे हाथ में फोन था, मैं बार बार कहती रही कि मुझे बाहर जाने दीजिए, लेकिन लगातार मुझसे बदसलूकी करी जा रही थी। बहुत मुश्किल से मैं वहाँ पे धक्का देके, और उस समय सिर्फ
एक ही चीज मेरे ध्यान में आई, मैंने आंख भंग करके चिल्लाते समय सिर्फ कृष्ण जी का ध्यान किया कि वो मुझे यहाँ से बचा के लेकर जाए, क्योंकि जहाँ पे हम सपने अपने आप को एक महिला सबसे सुरक्षित महसूस करती है कि वो हमारा मंदिर है, वहां पे मुझे अंदर तीन आदमियों ने बंद कर लिया। बहुत मुश्किल से धक्का देके मैं वो दरवाजा खोल के चिल्लाती हुई चीखती हुई कांग्रेस ऑफिस में सीढ़ियों से, जो लोग वहां पे गए उन्होंने देखा है कि वो फर्स्ट फ्लोर पर ऑफिस है, मैं नीचे भागती हुई गई चिल्लाती हुई सीधा प्रदेश के महामंत्री जनरल सेक्रेटरी और प्रभारी ऑर्गेनाइजेशन के कमरे में गई, चीखती चिल्लाती बिलबिलाती, और मैं सिर्फ इतना कहती रही, दिखा बताती रही कि मेरे साथ क्या हुआ है। लेकिन जो प्रदेश के महामंत्री भी थे वो जूते उतार के बैठे रहे, कोई नहीं खड़ा हुआ, किसी ने उस आदमी को नहीं बुलाया, किसी ने नहीं पूछा क्या हुआ, और एक तमाशा वहां बनता रहा। मैंने मेरी घड़ी 154 पे मेरा बीपीएम चला गया और घड़ी ऐसे फट फट कर रही थी, लग रहा था कि घड़ी ही फट जाएगी, मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए, मेरी मैं वो सोचती भी हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो मेरे साथ उस पल हुआ। मैंने उसके बाद पानी पी के थोड़ा शांत होके सचिन पायलट जी को सबसे पहला कॉल किया, पर हमेशा की तरह सचिन पायलट जी के पास समय नहीं होता, अगर आपको वहाँ पे किसी से बात करनी है, प्रभारी जी हैं वो, लेकिन वो बात नहीं करते, सिर्फ उनके पीए बात करते हैं, पार्टी में प्रभारी का काम ही उनके पीए करते हैं। उनके पीए ने फ़ोन उठाया और उन्होंने कहा कि हम गाड़ी में हैं, हम सरगुजा जा रहे हैं, और मेरी उनसे एक मिनट बात हुई और मैंने उनको पूरा के पूरा घटनाक्रम से अवगत कराया, और उन्होंने कहा कि एक मिनट रुकिए, उन्होंने वहाँ पे बात करी और मुझे कहा आप चुप रहिएगा, चुनाव का समय है, बिल्कुल चुप रहिएगा, कुछ मत करना, और उन्होंने फ़ोन रख दिया। मैंने फिर फ़ोन लगाया कि मेरी सर से बात करा दीजिए, लेकिन कहा अभी व्यस्त है, हम गाड़ी में सरगुजा जा रहे हैं। गाड़ी में पीछे सीट पे बैठा हुआ आदमी, अगर एक महिला अपनी खुद की पार्टी की ICC ऑफिस बेरर के साथ इतनी बड़ी घटना हो रही है और वो बात नहीं कर पाए। दूसरा कॉल मैंने भूपेश बघेल जी को किया, उन्होंने फ़ोन कॉल नहीं उठाया। तीसरा कॉल मैंने पवन खेड़ा जी को किया, वो शायद किसी सभा में थे, उन्होंने भी फ़ोन नहीं उठाया। चौथा कॉल मैंने जयराम रमेश जी को किया, उन्होंने भी फ़ोन नहीं उठाया। उसका अगला कॉल मैंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के रहे सलाहकार विनोद वर्मा जी को किया, उनसे मेरी बात हुई। एक जो वीडियो मेरा रोता हुआ किसी ने बना के डाल लिया था, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिस भी इंसान ने वो वीडियो बना के डाला, लोगों को मेरी हालत और दुर्दशा तो पता चली कि मेरी क्या हालत हो रही थी, वरना कभी मेरी बात बाहर नहीं आ पाती। तो मैं उनसे बात कर रही थी और मैं उनको ये बता रही थी कि क्या बीता, और उधर से भी मुझे सामने ये बोला गया कि तुम कोऑर्डिनेट करके नहीं चलती, क्या अगर मैं कोऑर्डिनेट करके नहीं चलती तो इसकी सज़ा ये होगी कि तीन आदमी बदसलूकी करके मुझे अंदर कमरे में बंद कर लेंगे, वो भी हमारे मंदिर के अंदर। तब भी मैं रोती रही चिल्लाती रही, मैं ये कहती रही कि सर कुछ कीजिए, मैं सुरक्षित महसूस नहीं कर रही, कोई एक्शन लीजिए, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। उसके बाद मेरी पवन खेड़ा जी से बात हुई, उनको मैंने पूरा वाक्य बताया, तब भी मुझे डांट पड़ी कि नहीं, तुम जो कर रही हो गलत है, अपनी आवाज़ उठा रही हो वो गलत है। उसके बाद भूपेश बघेल जी ने मुझे कॉल बैक किया, मेरी उनसे 3.5 मिनट बात हुई, मैंने उनको पूरा घटनाक्रम बताया और ये कहा कि आप मेरे परिवार को जानते हैं, आप मेरे चुनाव प्रचार में आए हैं, मैं आप हमें हर साल बेटी बना के तीजा पोरा के लिए छत्तीसगढ़ बुलाते हैं, मैं छत्तीसगढ़ की बेटी हूँ और आप ही के आदमी, आप ही के बनाए हुए सुशील आनंद शुक्ला जो आपके साथ काम करते हैं, उन्होंने ऐसे बदतमीजी करी। पूरी बात सुन के सामने से, जब मैंने उन्हें कहा कि मुझे इतनी पीड़ा हो रही है, इतना घबरा गई हूँ, मैं अस्पताल से वापस आ रही थी उस समय, तो मैं सोच रही हूँ मैं राजनीति ही छोड़ दूँ, तो भूपेश बघेल जी ने सामने से मुझे कहा नहीं, तुम छत्तीसगढ़ छोड़ दो। जब ये सामने से कहा गया कि छत्तीसगढ़ छोड़ दो, तब मुझे चीज़ें सामने से समझ आनी शुरू हुई कि किस तरीके से एक षड्यंत्र के तहत ये सब मेरे साथ किया गया। उसके बाद 6 दिन मैंने इंतज़ार किया, 6 दिन में लगातार राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, जयराम रमेश जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के जो पीए पार्टी चलाते हैं, अलंकार सवाई जी, कौशल विद्यार्थी जी, संदीप सिंह जी, सबको लगातार कॉल करती रही, मैसेज किए, चिट्ठियां लिखी, खड़गे जी के ऑफिस में भेजा, पर कहीं से कोई जवाब नहीं आया, कहीं से कोई मदद नहीं आई। जयराम रमेश जी को भी मैंने रात को 1:30 बजे पूरी चीज़ लिख के भेजी, उन्होंने सुबह 7 बजे वो मैसेज पढ़ लिया, लेकिन उन्होंने एक फ़ोन कॉल नहीं किया।
एक बार मुझसे बात नहीं करी और मैं अपनी मर्जी से तो छत्तीसगढ़ गई नहीं थी। मुझे पार्टी ने वहां पे बकायदा तीसरी बार भेजा था, तो मैं पार्टी की जिम्मेदारी थी, एक AICC की ऑफिस बेरर हूं और मुझे वहां भेजा गया था, लेकिन किसी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। दोपहर जब मैंने ट्वीट करना शुरू किया और न्याय की गुहार मांगी, तब एक फोन कॉल जयराम रमेश जी का आया। मैं उस वक्त डॉक्टर पे थी, मैं नहीं उठा पाई और तुरंत 15 मिनट बाद मैंने कॉल बैक किया, तो उसके बाद फिर उन्होंने नहीं उठाया। जैसे होता है कि बस हाँ फोन कर दिया, नहीं उठाया तो हमने एक रजिस्टर कर दिया कि कॉल है, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। मैं लगातार शिकायत करती रही, मैंने अलंकार जी को, जब उनका एक रिप्लाई आया, उन्होंने कहा कि आपने जयराम जी से ये बात कही है, मैंने कहा बिल्कुल कही है, पूरी घटनाक्रम फिर बताई कि किस तरीके से मेरे बारे में गलत बातें मीडिया में कही जा रही हैं, तब भी कुछ नहीं हुआ। मैं हमेशा सोचती थी जब ये घटना प्रियंका चतुर्वेदी जी के साथ घटी थी ऐसी ही तरीके से, तो शायद पार्टी ने साथ दिया होगा, वो ऐसी ही चली गई। और मैंने बहुत प्रखरता से ये बातें रखी थी और बहुत सामने आके कि नहीं, पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया फिर भी वो चली गई। उसके बाद यही चीज हमने अर्चना गौतम, जो एक दलित लड़की है और सिर्फ प्रियंका गांधी जी का नाम ले लेके, चाहे वो जब बिग बॉस में थी या चुनाव लड़ रही थी, सिर्फ प्रियंका गांधी जी का राग बलापती थी, लेकिन उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय मुख्यालय AICC 24 अकबर रोड में गुंडों को भेजकर उसको पीटा गया था, और तब भी उसने कहा था कि ऊपर के इशारे से मेरे साथ ऐसा हुआ था, लेकिन मैंने तब भी यकीन नहीं किया था, मैं तब भी नहीं मानती थी कि मेरी पार्टी ऐसा कर सकती है। फिर जब अंकिता दत्ता ने कंप्लेंट करी BV श्रीनिवास के खिलाफ, तो कंप्लेंट करने का नतीजा ये हुआ कि उसको पार्टी से निकाल दिया गया। लेकिन BV श्रीनिवास, जिस दिन मेरे साथ ये घटना हुई और जब अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, BV श्रीनिवास बैठ के सरगुजा में प्रेस कॉन्फ्रेंस सचिन पायलट के साथ कर रहे थे, और वही आदमी जिसने मुझे कमरे में बंद किया था, वो पवन खेड़ा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठ के रायपुर में कर रहे थे। ये तरीका था हमारी पार्टी का हर चीज को हैंडल करने का। उसके बाद गुरदीप सप्पल जी आए, फिर वो आदमी जिसने मुझे कमरे में बंद किया था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस साथ कर रहा था। लगातार मैं कंप्लेंट करती रही, फिर भी गुहार करती रही। 5 दिन 6 दिन मैंने मीडिया से बिल्कुल बात नहीं करी। मैंने अपना धर्म निभाया कि अगर इंक्वायरी करी जाए, कुछ बात करी जाए, तो मैं तब तक मीडिया से बात नहीं करूंगी। मैंने बात को घर में रखने की कोशिश करी। घटना के 2 दिन बाद प्रियंका गांधी जी छत्तीसगढ़ आई, क्योंकि मैं लगातार उनके ऑफिस से मैसेज कर रही थी, समय मांग रही थी, अपनी बात रख रही थी और मुझे जवाब नहीं मिल रहा था। मैंने तब भी ट्विटर के माध्यम से गुहार लगाई और कहा, दीदी आप मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के ननिहाल में आ रही हैं, मेरे साथ न्याय कर रही है, लड़की हूं, लड़ रही हूं। लेकिन नहीं, नारी न्याय कागज में, मैनिफेस्टो में है, पर धरातल में नहीं है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, बातें हैं, पर अपने ही घर की लड़कियों को पिटवाने का काम किया जाता है, अपनी ही घर की लड़कियों को बंद करने का काम किया जाता है कमरे में। वो क्या मंशा थी, मैं आज तक नहीं समझ पाई हूं कि मुझे क्यों 3 आदमियों ने कमरे में बंद कर दिया। क्या राम भक्त होने की इतनी बड़ी सजा दी जाएगी मुझे, कि राम जलल्ला के दर्शन करने की इतनी बड़ी सजा दी जाएगी मुझे, कि जब मैं न्याय मांगूंगी मेरे साथ न्याय नहीं होगा, और इस षड्यंत्र के तहत मुझे इस तरीके से पार्टी से निकालने की कोशिश करी जाएगी। क्योंकि लगातार देखते आए हैं, जब जब महिला के साथ अन्याय होता है, दोनों समय, अगर आप राम मंदिर जाएंगे, आप रामलल्ला का नाम लेंगे, आप पार्टी में हिंदू सामने आएंगे कि आप हिंदू हैं, आप मंदिर जाएंगे तो आपको पार्टी से निकाल दिया जाएगा या टॉर्चर किया जाएगा, आप खुद पार्टी छोड़ दें। या महिला के साथ जब उत्पीड़न होगा, महिला के साथ ऐसी घटनाएं होंगी, ऐसा दुर्व्यवहार होगा, ऐसा दुष्कर्म होगा, तो या तो उसको मजबूर कर दिया जाएगा कि वो पार्टी छोड़ दे, या पार्टी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन मेरी जंग जारी रहेगी। लड़की हूं, लड़ रही हूं, ये सिर्फ एक नारा मेरे लिए नहीं है। मैं न्याय के लिए हमेशा से 22 साल एक इंसान, 17 साल की उम्र से मैं इस पार्टी से, इस विचारधारा से जुड़ी हूं, और ये सोचते हुए कि ये संविधान के रक्षक है। लगातार हमें ये बोला जाता था, हमारे स्ट्रैटेजी ग्रुप में हमें सिखाया जाता था, जो हमारे प्रवक्ताओं का स्ट्रैटेजी ग्रुप है, पिछले 1.5 महीने से एक ही बात कही जा रही थी कि हर चीज को आप घेर के संविधान पे लेकर आओ। फिर जब कर्नाटक वाला इशू आया सामने, तो बोला गया कि पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक पे छेदो। आप कर्नाटक की बात कर रहे हैं, आप मणिपुर की बात कर रहे हैं, आप पहलवानों की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके घर में जो लड़कियों के साथ हो रहा है, उस पर एक एक महिला नेत्री ने चुप्पी साध ली। ना महिला कांग्रेस की अध्यक्षा हो, चाहे सुप्रिया श्रीनेट हो, और यही नहीं, नेटा डिसूजा जी जो पूर्व महिला कांग्रेस अध्यक्ष रह चुकी है, उन्होंने मुझे फोन करके चिल्लाई कि तुम ऐसा कैसे कर रही हो, जब उनको ये पूरी घटना का पता चला, और इतना चिल्लाई और बोला कि घर में शादी होती है, ऐसी कोई घटना हो जाती है तो उसके बाद घर में चुप रहने को कहा जाता है। लगातार
शीर्ष नेता और जयराम रमेश जी ने मुझे कॉल करके कहा कि ये क्या तरीका हो रहा है, चिल्लाए मुझ पे कि तुमने शिकायत कैसे कर दी, चुनाव है चुप रहो, तुम आवाज नहीं उठा सकती, कोई कार्रवाई नहीं होगी। 6 दिन इंतजार रहा लेकिन आज तक उस आदमी को एक शो कॉज नोटिस तक नहीं भेजा गया। लेकिन लगातार राधिका खेड़ा को चुप रहने को कहा गया, लगातार बोला गया कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, तुम कोई एक्शन क्यों ले सकती हो, और एक नौटंकी करी गई कि हम एक 6 दिन बाद कि हम एक रिपोर्ट मांग लेते हैं, वो भी तब जब मैंने आखिरकार कह दिया कि मैं पुलिस में कंप्लेंट लिखवाने जा रही हूं। लेकिन मेरी तबीयत इतनी खराब थी, मैं वहां से ट्रैवल नहीं कर सकती थी, मैंने अपनी माता जी को वहां बुलाया, मैं फिर भी आखिरी उम्मीद करते हुए न्याय की मैं प्रदेश अध्यक्ष के पास गई और उन्होंने मेरा बयान, मैंने जब कहा कि सर ये मेरा बयान है आप इस पे रिसीविंग करके साइन करके दे दीजिए और ये है जो मुझे कहना है, उन्होंने वो लेने से मना कर दिया और कहा मैं सिर्फ जो आप बोलूंगी मैं लिखूंगा और मैं सिर्फ सुनूंगा, इसको लिखित में नहीं लिया जाएगा। जब मैंने उनको याद दिलाया कि आपको मैंने शिकायत लगाई थी कि मुझे शराब ऑफर करी गई है, तो दीपक बैज ने सामने से बोला आप शराब पीती है ना, कितना पीती है, थोड़ा पीती है, ज्यादा पीती है, कभी कभी तो पीती होंगी। ये तरीका था इंक्वायरी करने का कांग्रेस पार्टी का, और ये किसके इशारे पे हो रहा था, भूपेश बघेल के इशारे पे हो रहा था, और भूपेश बघेल किसके इशारे पे काम करते हैं, प्रियंका गांधी जी के इशारे पे काम करते हैं, सचिन पायलट जी के इशारे पे काम करते हैं। इतनी बड़ी घटना हो गई लेकिन प्रियंका गांधी जी ने एक बार भी चुप्पी नहीं तोड़ी, छत्तीसगढ़ आके एक बार नहीं बोली, एक फोन करके नहीं कहा कि क्या हुआ, तुम मेरी राष्ट्रीय प्रवक्ता हो, तुम मेरी नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर हो, अकेली लड़की हूं आप सब जानते हैं, नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर 7 साल से हूं मैं, अकेली लड़की हूं उस डिपार्टमेंट में, लोगों के बीच में आदमी आए गए पर मैं एक अकेली लड़की हूं उस डिपार्टमेंट में, और उसी को आपके पास समय नहीं था, क्यों, ऐसा क्या है भूपेश बघेल जी जो प्रियंका गांधी जी को पहुंचाते आए हैं कि प्रियंका गांधी जी उनका संरक्षण कर रही थी और वही आगे जाके सुशील आनंद शुक्ला को पहुंचा रही थी, ऐसा क्या है जो पूरी पार्टी भूपेश बघेल के कहने पे, सचिन पायलट के कहने पे काम कर रही थी, ऐसा क्या है राहुल गांधी जी के पास छुपाने को कि इतना दबाव उनका, भूपेश बघेल ने इतना दबाव बना दिया कि प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी चुप्पी साध लिए। मुझे फॉलो करते हैं ट्विटर पे तो ऐसा तो हो नहीं सकता, 200 लोगों को, पार्टी के महज 200 लोगों को, जिसमें से 200 में से तो कुछ पत्रकार भी हैं, तो आप लेकर चलिए महज 100-150 लोगों को पार्टी के वो फॉलो करते हैं, तो ये भी नहीं कह सकते कि मैं पार्टी में कोई अस्तित्व नहीं रखती। जब राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी स्वयं मुझे फॉलो करते हैं तो उनसे कोई बात छिपी नहीं थी, और लगातार मेरे पास मैसेज है, हर चीज है प्रूफ करने के लिए, लेकिन एक बार भी किसी ने मुंह नहीं खोला। ऐसा क्या है, क्या मेरा राम मंदिर जाना इतना ज्यादा चुप गया पार्टी को कि ऐसे षड्यंत्र रच के मेरे साथ ऐसा किया गया। मैं लगातार कौशल्या माता का नाम लेती थी छत्तीसगढ़ में, लगातार राम जी का नाम लेती थी, तब भी मुझे कहा जाता था कि तुम राम जी का नाम मत लो, कौशल्या माता का नाम मत लो, छत्तीसगढ़ चुनाव में भी मुझे टोका जाता था। क्यों छत्तीसगढ़ की संस्कृति जब कौशल्या माता का मायका, राम जी का ननिहाल है, तो क्यों कांग्रेस पार्टी मुझे बार बार उनका नाम लेने से रोकती थी। लगातार मुझ पे आरोप लगाए जाते थे कि तुम बहुत ज्यादा हिंदू धर्म की बात करती हो, इतना लेकिन मेरे से इतनी घृणा हो जाएगी, क्योंकि और किसी मुद्दे पे मुझे हटा नहीं सकते थे, कोई एक्शन नहीं ले सकते थे, तो इतनी घृणा हो जाएगी कि एक पूरा षड्यंत्र रचा जाएगा और मुझे एक कमरे के अंदर बंद कर दिया जाएगा और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। और अब तो जी सुनने में आया 5-6 लोग भी सामने आ गए हैं और उसमें से तो एक बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है 2 मुसलमान भी सामने आ गए हैं कि वो उस कमरे के अंदर थे, क्योंकि मैं हिंदू लड़की हूं और मैंने ये बोल दिया कि मैं राम मंदिर की बात बता दी कि इसलिए मुझसे दुश्मनी हो रही है और ये कर रहे हैं, क्योंकि मैंने उनका असली चेहरा सामने ला दिया, तो वो 2 मुसलमानों को लेकर आए हैं जो वहां पे नहीं थे और अब वो बयान दे रहे हैं कि वो उस कमरे में थे। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ छत्तीसगढ़ की पुलिस से भी कि इसका संज्ञान ले कि वो आदमी कहाँ से आए और क्यों आए, और अगर उनके हिसाब से वो 5 आदमी थे तो ये भी सवाल बनता है कि 5 आदमियों ने एक लड़की को अकेले कांग्रेस के मुख्यालय में कमरे के अंदर कुंडी लगा के बंद क्यों किया। इस बात का सवाल का जवाब मैं आज प्रियंका गांधी जी से पूछती हूँ, राहुल गांधी जी से पूछती हूँ, मल्लिकार्जुन खड़गे जी से पूछती हूँ, जयराम रमेश जी से पूछती हूँ, जिनकी जिम्मेदारी पर मेरे घर वालों ने, उनके विश्वास करके मुझे कांग्रेस में वहां पे भेजा था छत्तीसगढ़ में काम करने को, और मैं महीनों वहां पे रह के काम कर रही थी। लेकिन मुझे प्रभु श्री राम पे पूरा यकीन है कि जितना भी ये प्रभु श्री राम का विरोध कर ले, लेकिन प्रभु श्री राम मुझे आखिरकार न्याय दिला के रहेंगे। आपके कोई सवाल हो तो। राधिका जी, आपने किसको फोन किया था जब सारे लोग, किसने भूपेश बघेल को, एसपी को पहली बार, भूपेश बघेल जी को डायरेक्ट किया था, सचिन पायलट जी को जिसने उठाया था आपका फोन, उन्होंने वापस कॉल बैक किया था मुझे, सचिन पायलट के ओएसडी ने। अच्छा,
मैंने सचिन पायलट को कॉल किया था, उनके ओएसडी ने फोन उठाया। जब आप जयराम रमेश को की, पवन खेड़ा को की, उसके बाद आपने कहा कि भूपेश बघेल को, जिन्होंने कहा कि तुम कोऑर्डिनेट करना सीखोगे, वो सलाहकार होते थे विनोद वर्मा। विनोद जी, एक आपने एक लाइन बोली कि क्या पहुंचाते हैं भूपेश बघेल प्रियंका गांधी, ये क्या पहुंचाने? देखिए, ये सब जानते हैं कि दुशील जो है वो कक्का का आदमी है और लगातार भूपेश बघेल जी प्रेशर बनाए हुए हैं कि उस पर कोई कार्रवाई ना हो, वरना लगातार जिसके ऊपर कंप्लेंट हो रही है, और ये भी नहीं, यहाँ लगातार जो कंप्लेंट होती आ रही है उसको बचाया जा रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई जा रही, क्योंकि भूपेश बघेल जी और सचिन पायलट जी कार्रवाई होने नहीं दे रहे। और ये किसी से छुपा नहीं है कि सचिन पायलट जी और भूपेश बघेल जी किसके टीम में है। प्रियंका गांधी जी तो जी सरगुजा वहां गई भी नहीं कैंपेन करने, जब सरगुजा की हमारी एक ही लड़की कैंडिडेट, छोटी सी लड़की चुनाव लड़ रही थी छत्तीसगढ़ से, जब उन्होंने शशि सिंह ने बोला कि मैं प्रियंका गांधी जी की सभा चाहती हूँ, क्योंकि भूपेश बघेल जी से उनका क्या सांठ गांठ है, उस चक्कर में वो उस लड़की को के लिए कैंपेन करने भी नहीं गई। ये सबको पता है और ये सब जानते हैं कि किस तरीके से प्रियंका गांधी जी भूपेश बघेल जी के आगे आके खड़ी होती हैं जब भी उन पर कोई समस्या आई है कि उनको मुख्यमंत्री से हटाया जाएगा। लेकिन यही तो सवाल है ना, जब उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया जाता है तो प्रियंका गांधी जी आगे आके खड़ी हो जाती है, लेकिन लड़की हूं लड़ सकती हूं, वो लड़की उनकी पार्टी की जो एआईसीसी ऑफिस बेरर है, जब उसे कमरे में बंद कर दिया जाता है तो भूपेश बघेल के आगे आके प्रियंका गांधी जी खड़ी नहीं होती, भूपेश बघेल के आगे आके खड़े होकर राहुल गांधी जी खड़े नहीं होते, क्योंकि मैं राम जी के ननिहाल होके आई हूं, मैं राम जी के अयोध्या धाम होके आई हूँ, तो सबसे ज्यादा उनको मुझसे घृणा हो गई। मैम, आपने अभी कहा कि जो रूम में दो आदमी थे वो मुस्लिम थे, आपको ये कैसे पता लगा कि वो दो मुस्लिम? नहीं, अभी नहीं, मैंने कहा कि वो बाद में लेकर आए हैं दो और लोगों को, वहां पे सिर्फ तीन लोग थे। अब जो नई चीज आई है, जो मुझे मीडिया के माध्यम से पता चली है, वो दो उसमें जो लोग वो लेकर आए हैं उनके नाम है, पता है, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। तो उनका जो क्लेम कर रहे हैं कि वो कमरे के अंदर थे जबकि नहीं थे, उस कमरे में सिर्फ तीन लोग थे, मैं, सुशील आनंद शुक्ला, नितिन बंसाली और सुरेंद्र वर्मा, सिर्फ तीन लोग। ये दो आदमी जो नए आए हैं, जो कह रहे हैं कि हम पांच लोग थे, और ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने कमरा अंदर से बंद किया, तो सोचने की बात है, जो ये दो नए आदमी अंदर आते हैं, पांच लोग एक लड़की को कमरे के अंदर बंद कर रहे हैं और प्रियंका गांधी जी आज भी चुप है, खड़गे जी आज भी चुप है। मैंने अपना पहले जब इस्तीफा भेजा, किसी ने मुझसे संपर्क नहीं किया, किसी ने एक बार फोन उठा के नहीं पूछा कि ये क्यों कर रही हो, और जब मैं कंप्लेन भी कर रही थी सिर्फ मुझे फोन करके धमकाया जाता था कि चुप रहो चुप रहो चुप रहो, कोई भी कार्रवाई, एक शो कॉज नोटिस तक नहीं भेजा गया, जो एक बहुत बेसिक चीज होती है जब कोई घटना किसी भी दफ्तर में घटती है कि सबसे पहला काम एक शो कॉज नोटिस करने का। तो मैम, अभी आपने ऐसे ये बताया कि आपकी फॉर्मर जो फीमेल कुलीग है उनके साथ भी ऐसे घटना होती रही, तो आप क्या ये कहना? नहीं, मैंने कहा था वो सामने थी जब ये हुई थी। आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी एक महिला विरोधी पार्टी? बिल्कुल, देखिए, एआईसीसी के मुख्यालय में एक दलित लड़की को कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के ऑफिस बेरर्स प्रियंका गांधी के इशारे पे आके पीट के जाते हैं, ये किसी से नहीं छुपा। तो आप सुन रहे थे राधिका खेड़ा को, जो कि कांग्रेस पार्टी छोड़कर अब कांग्रेस पार्टी में हुए कथित अन्याय की, कथित जो उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ उसके बारे में पूरी विस्तार पूर्वक जानकारी दे रही हैं, जिनका ये कहना है कि मैं राम जी की भक्त हूं और मुझे राम की भक्ति करने से रोका जा रहा था, महिला होने के बावजूद मेरा सम्मान पार्टी में नहीं था, मुझ पर कई बड़े पार्टी के नेताओं ने फोन करके चिल्लाया, मुझे एक कमरे में बंद किया गया, मुझे गंदी गालियां दी गईं, और तो और सुशील आनंद शुक्ला पर एक गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि मुझे राहुल गांधी की यात्रा के दौरान शराब ऑफर की गई और शराब पीने के लिए मुझसे पूछा गया, और तो और इस पूरे मामले में पार्टी के जो कुछ पुराने नेता पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, महिला नेताओं की हम बात कर रहे हैं, उनका भी जिक्र उन्होंने किया और कहा कि उनके साथ भी इसी तरह से दुर्व्यवहार किया गया था। यात्रा के दौरान मुझे शराब ऑफर करी, उनके साथ एक और उनके साथी थे धनंजय ठाकुर, और मैं यहां से कांग्रेस के दो लड़कियां जो काम करती थी मीडिया डिपार्टमेंट में वो मेरे साथ थी, और उनके सामने ही हुआ कि लगातार मुझे रात को कमरे में, जब हम कोरबा में थे, जब हम वहाँ पे यात्रा में वेट कर रहे थे रात को, तो मुझे लगातार फोन करके सामने भी आके कि आपको कौन सी शराब चाहिए, हम आपके कमरे में शराब पहुँचाने का काम करेंगे, और शराब पी के पाँच से छः इसके प्रवक्ताओं के साथ मीडिया चेयरमैन आके मेरे कमरे पे भी खटखटाते थे।
ये बात मैंने सचिन पायलट जी को भी तब कही थी, वहां के प्रदेश अध्यक्ष को भी, दीपक बैज जी को भी कही थी, और दिल्ली में भी जयराम रमेश जी से लेकर पवन खेड़ा जी सब तक मैंने ये बात बताई थी कि इस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के समय मेरे साथ किया गया। लेकिन तब भी कुछ मैं सुशील आनंद शुक्ला जी से बात करने गई तो उन्होंने मुझसे बदतमीजी करनी शुरू करी, मुझे गंदी गंदी गालियां देनी शुरू करी, और ऐसी ऐसी गालियां जिनका मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसे कोई शब्द भी हो सकते हैं दुनिया में, और लगातार गंदी गंदी चीजें बोलने लग गए और चिल्लाने लग गए। तब मैं चिल्लाई, बहुत चिल्लाई, वहां पे बाहर लोग बैठे हुए थे, और मैंने चिल्ला के ये भी कहा कि जाके नीचे से प्रदेश के महामंत्री को बुला के लाइए और लोगों को बुला के लाइए, लेकिन कोई नहीं हिला। फिर वो जब मैंने अपना फोन बाहर निकाला कि मैं आपको रिकॉर्ड कर रही हूं, ऐसे हाथ में फोन पकड़ा, तो सुशील आनंद शुक्ला ने इशारा किया और उस कमरे में दो और लोग थे, दो और प्रवक्ता थे, जिन्होंने उनके ऐसा इशारा करने पे दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। पूरी बात सुन के सामने से जब मैंने उन्हें कहा कि मुझे इतनी पीड़ा हो रही है, इतना घबरा गई हूं, मैं अस्पताल से वापस आ रही थी उस समय, तो मैं सोच रही हूं कि मैं राजनीति ही छोड़ दूं, तो भूपेश बघेल जी ने सामने से मुझे कहा नहीं, तुम छत्तीसगढ़ छोड़ दो। जब ये सामने से कहा गया कि छत्तीसगढ़ छोड़ दो, तब मुझे चीजें सामने से समझ आनी शुरू हुई कि किस तरीके से एक षड्यंत्र के तहत ये सब मेरे साथ किया गया। उसके बाद 6 दिन मैंने इंतजार किया, 6 दिन में लगातार राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, जयराम रमेश जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के जो पीए पार्टी चलाते हैं, अलंकार सवाई जी, कौशल विद्यार्थी जी, संदीप सिंह जी, सबको लगातार कॉल करती रही, मैसेज किए, चिट्ठियां लिखी, खड़गे जी के ऑफिस में भेजा, पर कहीं से कोई जवाब नहीं आया। और भारतीय जनता पार्टी से राजीव चक्रवर्ती जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। राजीव जी, बहुत स्वागत है न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। एक महिला नेता ठीक चुनाव के बीच में, जब हर नेता चाहता है कि वो कहीं ना कहीं व्यस्त रहे पार्टी के काम में, वो पार्टी छोड़कर मीडिया के सामने आकर अपने दर्द को बता रही है, वो भी एक ऐसी पार्टी जो कि सबसे पुरानी पार्टी है देश की और कथित महिला सम्मान का दंभ भरती है,